श्राइन हॉस्पिटल की कोविड-19 कोरोना केयर सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेरी श्राइन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेरी श्राइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडी, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खोमन साहू। गरियाबंद में आज कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त दौरा कर सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। गरियाबंद के कलेक्टर नीलेश कुमार व एसपी भोजराम पटेल ने धान के बिचौलियों पर पैनी नज़र रखने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं। वहीं आज दौरा कर जिले के दोनों अधिकारियों ने उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र खुड़गांव, बरही और झाखरपारा में आवश्यक तैयारी का जायजा लिया। हालांकि कटपदर, खोकसरा सहित और सीमावर्ती क्षेत्रों का भी दौरा करना था, पर समय अभाव के कारण वहां नहीं पहुंच सके। कलेक्टर व एसपी देवभोग पहुंचने से पहले खुटा गांव के सीमा का निरीक्षण किया तो वहीं झाखरपारा के धान उपार्जन केंद्र की तैयारी को भी देखा। वहाँ जब किसानों ने कलेक्टर को मक्के खरीदी का पंजीयन न होना बताया तो वहां के समिति प्रबंधक को लताड़ा और पंजीयन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम आशीष अनुपम टोप्पो सहित उपस्थित ब्लॉक स्तर अधिकारियों को सीमा पर कल से बैरिकेड लगाने के भी निर्देश दिए हैं। सर, आप देवभोग क्षेत्र के दौरे पर रहे और यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों का भी दौरा किया, क्या उड़ीसा का धान इस बार? इसमें खासतौर पर हमारा देवभोग सीमावर्ती क्षेत्र है और राज्य शासन की मंशा है कि किसानों का तो पूरा धान जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान है उनका लिया जाएगा, किंतु किसी भी तरह उड़ीसा का धान किसी ऊर्जा मार्फत, दलाल मार्फत या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाएगा। इसीलिए अभी एसपी साहब के साथ देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमारे चेक पोस्ट पिछले साल में बने थे और पिछले साल में भी अच्छी कार्रवाई हुई थी, उसी तरह चेक पोस्ट पूरे बनाए जाएंगे। इसमें इस साल हम कैमरे के द्वारा भी निगरानी करने का प्रयास करेंगे, जो भी चेक पोस्ट है उनको 24 आवर्स कैमरा की निगरानी के अंदर भी रखेंगे और जो भी इस तरह से बाहर का धान यहाँ पे कमाना जाएगा उस पर एफआईआर किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी जो धान है उसको भी सीज किया जाएगा। इसके साथ साथ पूरे जिला स्तर के भी हमने पथक बनाए हैं, लाइन स्क्वाड भी बनाए हैं और सभी नागरिकों के निवेदन में किसान भाइयों से निवेदन है कि जो आपने पेमेंट किया है सिर्फ अपना ही धान यहाँ पे और फूड कंट्रोल रूम जो उसके क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हुए वो भी अपने समिति में भेज सकते हैं। इसमें भी अगर किसी तरह की समस्या आती है तो हमारा फूड कंट्रोल का नंबर जो है हम फ्लैश भी किए हैं, कल भी न्यूज में फ्लैश करेंगे, उसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए इसमें मैं हम जो पूर्व के भांति भी और एक पूरी लिस्ट बनी गई है कि जो संभावित लोग इस तरह का काम करते हैं, कुछ जो खुफिया जानकारी मिली है उसके आधार पे 50 से 100 लोगों का एक पूरा लिस्ट बना है। क्योंकि अभी त्यौहार का सीजन था तो प्रशासन द्वारा दबिश नहीं दी गई है, लेकिन आगामी कुछ दिनों के भीतर सभी में दबिश दी जाएगी। अगर उनके पास उनका जो रकबा है उससे ज़्यादा धान पाया जाता है क्योंकि वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान परेशान ना हो, लेकिन इस तरह से उसको डाउन करके रखा है किया जाएगा।
पे खासतौर पर तहसीलदार की समस्या से अवगत कराया है, वो भी आज शाम तक तहसीलदार की हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे एक नायब तहसीलदार हैं, लेकिन पूर्णकालीन तहसीलदार हम यहाँ पे पदस्थ करने जा रहे हैं।